बताइएगा, एक फरमाइश आई है। हाँ बेटे, कौन सी? कट पीस भोजपुरी धुन में आप चाहते हैं? हाँ बेटा, फुल पीस नहीं, कट पीस। एक धुन बज रही है। कौन सी बेटे? गाया है भोजपुर वालों ने। हाँ हाँ। अरे हुस्न के रानी आदा के मलिका, आज के नाम रौरे नाम बा, होता है। और के गोली चले लठाए ठाए, गीत दिया है भोजपुर वालों ने। अजय भैया, अरे गोली चले ठाए ठाए जब लच के तोर कमरिया, और अरे हीरे छपरा हीले यारा हीले लागे बरिया, के मुन्नी भाई ना तंगी ये बात भोजपुर वाले गा रहे हैं। सम्मानीय हमारे हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, आप उनके बड़े भैया हैं, आपके कर्तव्यों से ये 101 रुपए की पद मुद्राएं हैं और आपने स्पेशल तौर से मुझे दिए हैं अपनी बच्ची के रूप में। आइएगा सामने चले आ रहे हैं। वीर बाबा बजरंग बली से कहा, हनुमान जाओ और इन दोनों का
का पता लगा करके आओ। आखिर ये है कौन, कौन कहीं ऐसा ना हो कि बाली ने मुझे मारने के लिए इन दोनों को भेजा हो। बाबा बजरंग बली जाते हैं, सारा हाल हवाल पूछा, लिवा करके साथ में लाए, सुग्रीव से मित्रता कराई। सामने प्रभु श्री राम जी बैठे हैं और राम जी के सामने सुग्रीव बैठे हैं। उतरा हुआ चेहरा देखते हैं तो कहने लगे, राम पूछने लगे कि सुग्रीव आखिर बात क्या है, तुम्हारा चेहरा आखिर उतरा हुआ क्यों है, क्यों बेटे क्यों? तो सुग्रीव कहने लगा, प्रभु सुनिएगा, मेरा एक भाई है जिसका नाम है बाली, और वो बाली कैसा है बताने लगे सुग्रीव। अरे उसके भैंसे सब वो खाते, सामने जो भी जाए। और प्रभु, अरे हार जाता है हार के सामने, के हार जाता है हार के आगे, सो हार से जीत वो जाता। कहने लगा अच्छा, और जब हार से जीत वो जाता तो जैसे ही राम ने सुना तो राम जी कहने लगे, सुनो अगर मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है तो हे सुग्रीव, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि काज घटा हूं मैं। जब ऐसा कहा तो कहने लगे, प्रभु एक और विडंबना है, बोले वो भी सुनाओ। तो सुग्रीव कहने लगा, सुनिया प्रभु, के बुरी नजर जब उसने, बुरी नजर जब उसने मेरी नारी पे डारी, क्योंकि बाली ने जिस समय मेरी नार पर बुरी नजर डाली तो उसी क्षण से, के बुरी नजर जब उसने मेरी नारी पे डारी, छीनी बाली हे प्रभु, के छीनी बाली मेरी घरवाली, उसने मेरी घरवाली को भी छीन लिया, इसलिए प्रभु के छीनी बाली ने मेरी घरवाली, के छीनी बाली ने मेरी तो राम ने तब लौटाई बाली से घरवाली। आइएगा आइएगा, इसी के साथ आमंत्रित कर रही हूँ सम्मानीय उद्घोषक महोदय जी को। आज मेरा छोटू भारी पड़ेगा। हेलो मोटू के सामने, सुना भी आप लोगों ने? सुना दुर्गेश नंदनी जी को। और क्या? नंदनी जी आज आपको हो क्या गया है? कुछ तो हुआ ही है, समझ रहे हैं? कह रही हो हम फंसाते नहीं है, वो आप खुद ही फंस रहे हो। अच्छा अगर जाल नहीं डाला जाएगा तो फंसेगा कैसे? क्या लालगंज में कौन फंसा था? हाँ लालगंज में, लालगंज वाले कहाँ हैं? हम ही लोग निकाल के लाए हैं। राजेश भाई
सही बात है, अगर हम लोग वेट ना करते इंतजार ना करते तो आप ढूंढती रह जाती कहां जाना है। खैर ये सब बातें थोड़ा सा माहौल को चेंज करने के लिए होती है, बिल्कुल, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप फंसाने में कोई कोर कसर छोड़ रहे हैं। और क्या, लेकिन आप कह रही हो कि हम फंसा नहीं रहे हैं, तुम फंस रहे हो। चलिए अगर आप फंसा नहीं रही हैं तो हम भी फंसने वाले नहीं है, बाईपास बने हम लोग निकल जाएंगे। मैंने गीत गाया, मैंने तो सीधा फिल्मी धुन बताई थी डॉक्टर साहब, और क्या, लेकिन मुझे एक उपाधि दे दी गई है, वो भी अजय देवगन से। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बढ़िया। अच्छा नंदनी ने नहीं कहा लेकिन नीचे वाले कह रहे थे, अरे वाह, कि अजय देवगन हो गए आप तो। तो अब जवाबी है, अगर हम अजय देवगन हो गए तो अब विचार करिएगा कि सामने वाला कौन होगा। हम नहीं कहते ना गंदी बात, लेकिन विचार करिएगा। नंदनी जी आज पहली बार आपने एक नई बात कही है, उसे हम स्वीकार करते हैं कि इस गीत को ट्विंकल खन्ना ने नहीं गाया है, सॉरी रवीना टंडन ने नहीं गाया है, लेकिन ये एक खास बात है कि आज दुर्गेश नंदनी जी ने इस गीत को गाया है। अब गाना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। गीत को आपने सलीके से गाया था, हमें अच्छा लगा था, क्योंकि वास्तव में मानिए मंच के माध्यम से हम कभी गलत नहीं कहते ना गंदी बात। इस गीत को मैंने गाया है, लेकिन जिस जिस कलाकार के सामने मैंने गाया है इसका लोग निर्वाहन करने में अपने आप को असक्षम मानते हैं। आपने इस गीत का निर्वाहन किया है, लेकिन आपने अपने ही द्वारा अपनी बात को थोड़ा सा हल्का कर दिया। मुखड़े का आलाप आपने लगभग ठीक ठाक निपाटा था, मुखड़ा आप गा रही थी, लेकिन फिर कहा मैं ये नहीं कहती, फिर आपने कह दिया कि तेरी नजर झुके तो बस थोड़ा सा गाना बजाना हुआ ढीला हो गया। हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत बढ़िया बात आ जाएगी, अच्छा गा रही हैं आप, लेकिन जब मुखड़ा आधा छोड़ के सीधा कड़ी पे पहुंच गई तो हल्कापन आ गया। लेकिन चलिए ठीक है, आपने बढ़िया निभाया है, बढ़िया और बढ़िया गाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। बात आपकी तरफ से पैदा की गई है, मेरी एक पंक्ति कह रही थी क्या कि महादेव का सुखद समय था मन भावन शिवरात, महादेवी का दुखद समय वो ये पावन नवरात। कहां थे बेटे, बिना सोचे समझे आपने तर्क किया है, ज्यादा कुछ कहूंगा तो कहोगी कि बेवफा हो, लेकिन कहूंगा जरूर। कहो, आप लोग भी विचार करिएगा कि जब एक माँ के, आप भी माँ हैं, विचार करना, जब एक माँ अपने लालों को कष्ट में देखेगी रोएगी नहीं तो क्या हंसेगी? अगर कृपा करनी होती तो उसके कई तरीके थे, चमत्कार दिखला देती, लेकिन अपने हजारों लालों का, अनगिनत लालों का कष्ट देखा है, लोगों के प्राण संकट में पड़े हैं ये महसूस किया है उस मां ने, रोक ना सकी, अपने सहस्त्रों नेत्रों से रोई है। रोने का मतलब है कि माता कष्ट महसूस कर रही है।
बस रोने से ही चमत्कार हुआ, साग सब्जी आदि की उत्पत्ति हुई जिससे लोगों का कल्याण हुआ। इसलिए मैंने कहा था कि महादेवी का दुखद समय वो ये पावन नवरात्र। लेकिन ठीक है, बढ़िया, जो भी आप लेके आई है लोगों ने सुन लिया है, उस पे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ना। बस थोड़ा सा विचार करिएगा, गीत में चल रहा था रात नवरात शिवरात जगराते की रात, आपकी तरफ से उठाया ठीक गया कि नवरात शिवरात तीजा की रात, लेकिन बाद में एक लाइन आपकी बदल गई जहां आपने लगा दिया पात। बातें बहुत हैं, एक मतलब भगवान के यानी भगवान विष्णु के अनेकों अवतार हैं, भगवान भोले बाबा के अनेकों अवतार हैं, लेकिन गीत में मैंने दिखाने का प्रयास किया था कि बजरंग बली बाबा का एक ऐसा अवतार है जिसमें भोले बाबा भी शामिल हैं और माता पार्वती भी पूंछ के रूप में शामिल हैं। दूसरा अवतार मैंने दिखाया था भोले और भवानी के सहयोग से अर्धनारेश्वर रूप, जिसमें दाहिनी तरफ भोले बाबा है और बाई तरफ माता रानी है। लेकिन ठीक है, जो भी आपने गाया है बढ़िया है, कुछ ना कहते हुए अब क्योंकि उधर से मामा जी ने एक शायरी पढ़ी है, अब जब नीचे की तरफ से कोई शायरी पढ़ी जाए तो जवाब भी नीचे वाले ही देंगे। मुनु, मैं चाहता हूं तुम भी एक शायरी पढ़ दो। हेलो लगता है क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मरीज इश्क से, मरीज इश्क से कह दो न करे हाय हाय, पुराने जख्म को भरने में वक्त लगता है। क्या बात कहना चाहूंगा कि जर्रों में रहे गुजर के, जर्रों में रहे गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। अरे जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, सीसा हूं टूट कर भी खत छोड़ जाऊंगा। आइए चलिए कुछ ना कहते हुए चलते हैं सीधा आपके खंड गीत के जवाब की ओर। बिल्कुल, शेर
शेर भी लगा है, कुछ पंक्तियां भी आपने जोड़ी हैं, लेकिन ज्यादा समय न लेते हुए क्योंकि समय बचाना है। सुने सुने किसी टी मारे लगवा गीत आपने सुना है कि सुग्रीव और बाल के बीच में एक घर एक दिन फंसी है, और जब बाल बध हो गया तो रिटर्न वापस हो गई। अब दीपू भैया देखिएगा, सुनिए घरवाली की बात है। अब जवाब, क्योंकि रामचरितमानस से एक चौपाई भी आपने लगाई है, तो देखिए प्रयास कर रहा हूं अपनी ओर से। कैसे? जिस समय प्रभु के चरण, जब जिस समय प्रभु के चरण उस पत्थर उस शिला से छुए, और जब छुए तो अहिल्या रूप में, यानी नारी रूप, वही अहिल्या पत्थर बनी हुई थी, वो नारी रूप में प्रकट हो गई। निर्जीव पड़ी हुई थी, जीव मिल गया, जीव आ गया, नारी रूप में खड़ी हो गई। प्रभु राम के चरणों का ये चमत्कार देख तमाम ऋषि मुनि एकत्र हुए, गौतम ऋषि भी मौजूद हैं। अब विचार करना, अगर किसी की खोई हुई पत्नी उसे पुनः मिल जाए तो उसको क्या प्राप्त होगा? और क्या समझो? अब सुनिए, वहां ऋषि मुनि गौतम ऋषि कहने लगे, क्या कि मैं प्रभु कृपा रीत जी जोही, हारे हूं खेल जिया वही मोही, हारे हूं खेल जियावत जीत जितावही मोही। यानी आप धन्य हैं, आप स्वयं हार कर अपने भक्त अपने भाइयों को जिता दिया करते हैं। क्या बात? प्रभु राम कहने लगे, कहना क्या चाहते हो? क्या? तब देखिए वहां ऋषि मुनि कह क्या रहे हैं। क्या बोले दीपू भैया? डॉक्टर साहब सुनिएगा, ऋषि मुनि कह क्या रहे हैं। क्या? भूल के अपनी विपत्ति को प्रभु तुम We'll be right back.
बजाओ बेटे, रानू मंडल तुम्हारी खोज में है। क्यों अब गीत के साथ संगीतकार भी बनेंगी क्या? और क्या कहने लगे रिश्मन प्रभु राम से कि भूल के अपनी विपत्ति को प्रभु तुम सबकी विपत्ति मिटाते भय भय से निर्भय कर देते हो, पत्थरों पे फूल खिलाते आप जिस पर वरद हस्त रख देते हैं ये मानिए कि पत्थरों पे फूल खिल जाते हैं। और कहा क्या? कि मैं आपका भक्त था और भक्त को आपके द्वारा कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और आज बिना कुछ मांगे ही आपने बहुत कुछ दे दिया। कहने लगे गौतम ऋषि क्या कि पत्थर से नारी नारी के रूप में हो गई। और ऋषिवर कह रहे हैं क्या कि पत्थर से नारी तन पाके वो है हर साई। मैं आपका भक्त था तो पाई बाई हुई भर पाई, आज मुझे मेरी पत्नी मिल गई तो मैं मानता हूं कि मुझे अपनी भक्ति का फल मिल गया। तो पाई बाई हुई भर पाई, पाई बाई हुई।